नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर पहुंचा हूं एक नए काम के साथ। देखिए, मैं आपको आज टेरेस की वाटरप्रूफिंग दिखाने जा रहा हूं। यह हमारा एक छत है जो बाहर का ओपन टेरेस एरिया होता है, ये बाहर का एरिया है। तो ये दोस्तों हमारा काम चल रहा है, आपका हिसार पड़ता है, हिसार के पास में एक जगह है फतेहाबाद, फतेहाबाद में हमारा काम चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसमें 2x2 की टाइलें लगी हुई हैं छत में, और इन टाइलों में से जो है दोस्तों देखिए, इसमें सीमेंट वगैरह जॉइंट में पहले भर के और भी कुछ ना कुछ इसमें ट्रीटमेंट पहले हुआ है, और इसमें जो है लीकेज की सबसे ज़्यादा समस्या है। देखिए, बाहर भी जो ये कोने कोने में जितनी भी टाइलें लगी हैं सब में साइडों से लीकेज की समस्या है। तो आज हम इसका लीकेज का वाटरप्रूफिंग करेंगे। तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे संग वीडियो में, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप टेरेस की वाटरप्रूफिंग बतवाएंगे, जो ये आपकी टाइल्स होती हैं 2x2 की। देखिए दोस्तों, इस पे पहले सीमेंट की किसी ने कोटिंग कर दी है और ये सारा सीमेंट उखड़ आया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के बाद में हम इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको वाटरप्रूफिंग कोटिंग दिखाएंगे। अगर आप लोगों की छत में भी किसी ने टाइल लगाई है या फिर टाइल्स में से इस तरीके की आप लोगों की लीकेज की समस्या बनी हुई है, तो आप वाटरप्रूफिंग करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो दोस्तों टाइलों को हमने पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। नीट एंड क्लीन करने के बाद में देखिए दोस्तों, टाइलों के ऊपर हम लोग जो है आपका SBR कोटिंग कर रहे हैं, जो हमारा लेटेक्स वगैरह आता है, और ये हम लोग एशियन पेंट्स का कर रहे हैं, तो ये रिपेयर पॉलीमर के नाम से आएगा। तो रिपेयर पॉलीमर देखिए, एक भाग सीमेंट का और एक भाग रिपेयर पॉलीमर का ले करके पूरा हमने इसमें रबर कोटिंग कर दी है। ये रबर कोटिंग करने से क्या होगा कि जो है टाइलें अगर भविष्य में हमारी इसमें खिंचाव बनता है या फिर टाइलें हमारी फैलती सिकुड़ती हैं, तो ये केमिकल ऊपर से इसके ऊपर खिंच जाता है, फटता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये हम SBR कोटिंग इसमें करेंगे। SBR कोटिंग करने के बाद में फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। अभी ये कोटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज, फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों टाइलों में SBR कोटिंग करने से फ़र्क ये पड़ता है कि इससे टाइलें हमारी जो हैं नीचे बेस मजबूत होता है इनका, और टाइलें जो हैं जो हमारी स्मूथ होती हैं, चिकनी होती हैं, उनको ये रफ़ करने का काम करता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरीके की समस्याओं से जो है समस्याओं वाली वीडियो लेके आता रहता हूँ। अक्सर हमारे घरों में जो है हम लोग टाइल लगा लेते हैं बिना वाटरप्रूफिंग के, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वाटरप्रूफिंग बताएंगे। दोस्तों SBR कोटिंग जो है देखिए, हमने लगभग हमारा ये लगभग पूरा हो गया है। अब इसको जो है हम आज पूरा दिन इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद में जब ये सूख जाएगा तो इसमें हम इसकी क्रैक फिलिंग करेंगे, और इसमें आपको अगला स्टेप बताएंगे। दोस्तों देखिए, SBR कोटिंग सूखने के बाद में हमने पूरे टाइलों के जॉइंट्स के ऊपर जो है क्रैक फिलिंग कर दी है। ये हमारी क्रैक सील से जो है पूरी हमने इसमें क्रैक फिलिंग करी है, यानी कि टाइलों के जोड़ में जो है कहीं पे भी ऊंचा नीचा गैप रह जाता है, उन सारे गैपों को हम भर देते हैं। भरने से क्या होता है कि टाइलें जो हैं कहीं पे भी ऊंची नीची होती हैं या गड्ढे वगैरह इसमें रहते हैं, तो वो भी बचे बुचे सारे इसके फिलअप हो जाते हैं, और ये करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आप लोग जो है टाइलों के ऊपर वाटरप्रूफिंग करवा सकते हैं, और आप जो है ये किसी से भी करवा सकते हैं। हर कंपनी की वाटरप्रूफिंग आती है, हर कंपनी की वाटरप्रूफिंग अच्छी होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे एशियन पेंट्स की वाटरप्रूफिंग दिखाऊंगा। तो दोस्तों क्रैक फिलिंग का काम भी हमारा जो है जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो हम आपको इसमें नेक्स्ट स्टेप दिखाएँगे। तो दोस्तों क्रैक फिलिंग देख लिया आप लोगों ने कि किस तरीके से SBR कोटिंग के बाद में हम इसमें क्रैक फिलिंग करते हैं। अब हम आपको जो है जब ये सूख जाएगा तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलेंगे। बने रहिए हमारे संग वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, क्रैक फिलिंग करने के बाद में जब हमारी ये सारा एरिया जब सूख जाएगा, तो उसके बाद में हमने देखिए इसमें हमने डैम प्रूफिंग करी है, और देखिए किस तरीके से इसमें मेम्ब्रेन लेयर चढ़ा दी गई है, पूरा टाइल देखिए ढक दिया गया है, और एक स्मूथ लेवल की जो है इसमें फिनिशिंग आ गई है, और जो है ये पूरा बॉर्डर वगैरह कवर करते हुए इसको हमने पूरा जो है ढक दिया है।
और ये क्या काम करेगा, टाइल के ऊपर एक मज़बूत लेयर बनाने का काम करेगा और टाइलों में ना कोई जॉइंट बचेगा ना कोई इसमें साइडों की डेडों में स्टार्टिंग में कोई जॉइंट बचेगा, तो ये पूरा एरिया जो है सील हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लोग भी, इस कोटिंग को भी हम लोग जो है, देखिए दोस्तों पूरा हमने लास्ट तक निपटा दिया है। और जो है ये दोस्तों कोटिंग करने के बाद में जो है इसको हम 4 से 6 घंटे छोड़ेंगे और आपको फिर अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलेंगे। तो ये काम दोस्तों हमारा लगभग फाइनल होने पे आ गया है। अब इसमें एक कोटिंग और कर देंगे और ये काम हमारा जो है फाइनल हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों 4 से 6 घंटे सूखने के बाद में भी हमने इसमें सेकंड लेयर कर दिया है और ये टाइलें देखिए पूरी छिप गई हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काम करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। पूरे पंजाब हरियाणा में ये सर्विस अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट साइट पर।